वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम देखने वाले मेथड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, तो जैसे एरोबिक बैक्टीरिया का कल्टीवेशन होता है, इससे बिल्कुल अपोजिट एनारोबिक बैक्टीरिया के कल्चर करना होता है, बिकॉज ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनको कि ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो पीपल हैं नए हैं, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियो जो आपको सही टाइम पे मिलते रहे। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो मेथड फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। तो पहले बात कर लेते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया होता क्या है, राइट? एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कि या जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट में ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, जस्ट एरोबिक बैक्टीरिया के अपोजिट होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए और एनारोबिक बैक्टीरिया को कोई भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लैब के अंदर इसको किस तरह से कल्टिवेट कर सकते हैं, राइट? तो इसके कुछ मैथड्स हैं। पहली मैथड है कैंडल जार मैथड, सेकेंड मैथड है एनारोबिक जार मैथड, थर्ड है एनारोबिक चैम्बर, फोर्थ है वैक्यूम एंड गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, फिफ्थ है थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ मीडियम, नेक्स्ट है अल्कलाइन पायरोग्लिकोल मेथड, और उसके नेक्स्ट है ब्रीवर्स एनारोबिक कल्चर प्लेट मेथड। ओके, तो इसमें हम कुछ मेथड को आप यहां देख लेते हैं, ओके, वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कैंडल जार मेथड, राइट? कैंडल जार मेथड में हम यहाँ डायग्राम देख लेते हैं तो ज्यादा ईजी रहेगा समझने में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जार रखा हुआ है कांच का, ओके, ऊपर से ये लिड लगी हुई है, अंदर की तरफ इसमें कैंडल लगा हुआ है, ओके, और यहाँ पे पैट्री प्लेट्स रखी हुई जिसके के अंदर मीडिया रखा हुआ है, राइट? तो हमें क्या करना है, एक जार लेना है, इस जार के अंदर पैट्री प्लेट रख देना है, इसके अंदर एक कैंडल को रखना है, ओके, और इसको यहाँ पे फ्लेमेबल कर देना है, ठीक है ना, इसको जला देना है। देन जैसे हम इसको ऊपर से बंद करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है ये कैंडल कंज्यूम करती है और तब तक जलती रहेगी जब तक कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट? तो ये कैंडल क्या कर रही होगी, जो यहाँ ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को ये हटा रही होगी, है ना, क्योंकि पूरा ये कंज्यूम कर रही है यहाँ पर, तो हमें यहाँ कोई भी ऑक्सीजन अब उसके बाद में नहीं रहेगा, राइट? जो कि हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया की कंडीशन को फुलफिल करता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस तरह से इसको एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। तो इस मेथड में क्या करना होता है, आपको पहले प्लेट रखना होता है जिसको कि मीडिया प्लेट कहते हैं या पैटो प्लेट कहते हैं, इसके बाद एक कैंडल होता है, उस कैंडल को आपको यहाँ पे जलाना होता है और उसको जार को हम सील कर देते हैं, ठीक है। तो जार में ऑक्सीजन जो है ये कम हो जाती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बढ़ जाती है, राइट? तो इस तरह में या इस तरह की कंडीशंस में जो बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं या माइक्रो एरोफिलिक होते हैं वो इजीली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। माइक्रो एरोफिलिक का मतलब है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है जिसमें कि ये बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कैंडल जार मेथड। आगे हम बात करते हैं एनारोबिक जार मेथड की, ओके। एनारोबिक जार मेथड, इसके अंदर भी नाम से क्लियर है कि एक जार होता है जिसके के अंदर एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, ओके। तो पहले हम यह डायग्राम समझ लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है, देखिए एक ग्लास का जार बना हुआ है, इस जार के अंदर यहाँ पे जैसे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर क्या था, कैंडल रखा हुआ था, बट यहाँ कैंडल नहीं है, तो यहाँ पर पैट्री डिश या पैट्री प्लेट रखा हुआ है, ओके। इसके बाद यहाँ पे एक पाउच रखा हुआ है, इस पाउच के अंदर सोडियम कार्बोनेट रखा हुआ है एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट का मिक्सचर रखा हुआ है, राइट? ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पैलेडियम कैटलिस्ट प्लेट लगी हुई है। ये पैलेडियम कैटलिस्ट प्लेट जो होता है यहाँ से क्या करता है, ये हाइड्रोजन को लिब्रेट करता है, ठीक है। साथ में ये जो सोडियम कार्बोनेट वाला जो बैग रखा हुआ था ये कार्बन डाइऑक्साइड को लिब्रेट करता है। साथ में यहाँ जो सोडियम कार्बन का जो बैग रखा हुआ था यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, राइट? सो यहाँ पर चेक करने के लिए कि इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पर हम एक इंडिकेटर का भी यूज करते हैं, ओके। तो वन बाय देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जार के अंदर हमको क्या रखना होता है, एक पैलेडियम प्लेट रखना होता है जो हमने यहाँ पर रखी हुई है, जो कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है इस जार के अंदर।
नाउ ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जार के अंदर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एनारोबिक कंडीशन कैन बी चेक्ड बाय अ इंडिकेटर मिथाइलिन ब्लू। ओके, यहाँ पे एक इंडिकेटर हमने रखा हुआ है, इसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस पे कलरलेस हो जाता है ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से डेप्लीट होगी, खत्म होगी, ये कलरलेस हो जाएगा, इट इंडिकेट कि यहाँ पर अब कोई भी ऑक्सीजन नहीं बची है। ओके, नाउ दिस कंडीशन इज गुड फॉर द एनारोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। तो अगेन वही चीज है कि हमने पर्टिकुलर जो कंडीशन है किस लिए मेंटेन करके रखी थी, कि एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो किया जाए, तो यही पूरी कंडीशन है जिसमें कि हम ऑक्सीजन को बिल्कुल यहाँ से निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, और अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरह से यहाँ जो बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया, वो इजिली ग्रो कर सकते हैं। थर्ड मेथड है एनारोबिक चैम्बर। एनारोबिक चैम्बर कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का चैम्बर है जो कि एनारोबिक होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका दूसरा नाम है ग्लो बॉक्सेस, इसको ग्लो बॉक्सेस भी कहा जाता है, राइट। और ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जो भी ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल होते हैं है ना, उसके साथ में ये इजीली काम कर सकते हो। चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, राइट, ये गैसेस को इसके अंदर जो है इनलेट किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट जाए, डिस्प्लेस हो जाए, और अंदर जो है इन तरह की गैसेस जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, जो मीडिया प्लेट्स होती हैं, तो या कल्चर मीडिया की जो प्लेट्स होती हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, इस पर्टिकुलर जार के अंदर रखेंगे, और इसके अंदर हम नाइट्रोजन को पर्च करेंगे, मतलब नाइट्रोजन को यहाँ पे हम इनलेट करेंगे, राइट, ताकि यहाँ जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो यहाँ से बाहर निकल जाए, और हमारा जो मीडिया है वो एनारोबिक कंडीशन में, जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक कंडीशन में यहाँ पर ग्रो करेगा। ओके, नेक्स्ट मेथड के बारे में देखते हैं, जो कि है वैक्यूम एंड गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, राइट। वैक्यूम एंड गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि हम कहीं वैक्यूम अप्लाई कर रहे होंगे, वहां से बिल्कुल भी एयर को बाहर निकाल रहे हैं, और गैस डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी भी एक गैस के द्वारा हम किसी दूसरी गैस को क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो इस मेथड में हम करते क्या है, इन दिस मेथड द एयर इन द चैम्बर इज रिमूव्ड बाय अप्लाइंग द वैक्यूम। पहले ही कंडीशन यहाँ मेंटेन हो रही है, जैसे नाम से क्लियर था कि वैक्यूम हम यहाँ क्रिएट करेंगे, ताकि जो भी चैम्बर के अंदर एयर है उसको हम बाहर निकाल देंगे, राइट। और इसके बाद हम नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर है उस चैम्बर के अंदर यहाँ पे फ्लो करेंगे, ताकि कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से ये मेथड जो होती है एक गुड कंडीशन प्रोवाइड कराती है एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। पांचवा इम्पॉर्टेंट मेथड है थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ मीडियम। ओके, यहाँ पर एक नया टर्म है ब्रॉथ, ब्रॉथ का मतलब होता है लिक्विड मीडिया का होना। ओके, क्योंकि यहाँ पे यदि अगार डाल देंगे या कोई ऐसे सॉलिडिफाइंग एजेंट डाल देंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे लिक्विड चाहिए, तो इसलिए हमने इसको ब्रॉथ यूज किया है। ओके, तो थायोग्लाइकोलेट मीडियम जो होता है एक मल्टीपर्पज डिफरेंशियल मीडियम होता है या सेलेक्टिव मीडियम होता है। ओके, टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए या नहीं चाहिए, इस टाइप से ये मल्टीपर्पजली काम करता है ना। इसको डायग्राम समझते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए चार तरह की टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर थायोग्लाइकोलेट मीडियम भरा हुआ है, राइट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक है, कौन सा बैक्टीरिया एनारोबिक है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पे जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लोअर स्पेस, राइट। सभी जगह यही फॉलो होने वाला है कि ऊपर जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, नीचे कम होगा। अब जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो डेफिनेटली वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की तरफ मूव ऑन करेंगे, है ना। इसलिए ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ऊपर की साइड ग्रो कर रहे हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल मैंडेटरी चाहिए चाहिए, उनको कहा जाता है इसलिए ऑब्लिगेट एरोब्स कहा जाता है, राइट। है ऐसे बैक्टीरिया जो कि बिल्कुल लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, ये इनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इनको कहा जाता है
ऑब्लिगेट एनरोब्स, ठीक है, ये जो सेकंड कंडीशन है जो बिल्कुल बॉटम पे है, इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट एनरोब्स। थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इनको कहा जाता है फैकल्टेटिव एनरोब। एनरोब्स का मतलब है कि इनमें ऑक्सीजन की यहाँ जरूरत नहीं है, बट एक टर्म लगा हुआ है जिसको हमने कहा फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जनरली रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यदि यहाँ पे प्रेजेंट भी है ट्रेसेस अमाउंट में तो भी चलेगा। ओके, इसलिए इसको कहा जाता है फैकल्टेटिव एनरोब्स की ऑक्सीजन यहाँ पे हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ये ग्रो करेंगे। लास्ट होता है जिसके अंदर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको नाम दिया गया है एरो टॉलरेंट एनारोब्स। ठीक है, एरो टॉलरेंट एनारोब्स का मतलब होता है, एयर मीन्स हम लेके चलते हैं कि ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, टॉलरेंट का मतलब होता है इसको टॉलरेट करना, और एनारोब मतलब जो कि ऑक्सीजन की, और एनारोब मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रेसेस में या बहुत ही कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत कम ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं या उनको बहुत कम लेवल ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है उसको ये टॉलरेट करते हैं, तो ऐसे एनारोब क्या कहलाते हैं, एरो टॉलरेंट कहलाते हैं। ओके, जहाँ पर कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को ये टॉलरेट कर सकते हो, दैट बैक्टीरिया कॉल्ड द एरो टॉलरेंट एनारोब्स, राइट। तो ये डेफिनेशन है ऑब्लिगेट एनारोब्स की, ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स और एरो टॉलरेंट की। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, होप सो कि आपको समझ में आया हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।